मुंबई के भूला भाई देसाई रोड की सिमरोजा आर्ट गैलरी में आकृति फाउंडेशन द्वारा कला प्रदर्शन का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर 22 पेंटर द्वारा बनाई गई कलाकृतियों का प्रदर्शन भी किया गया। आपको बता दें कि सुंदर कार्यक्रम का आयोजन मनमोहन जायसवाल ने किया और प्रदर्शनी के दौरान भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध समाज सेविका मंजू लोढ़ा, एसपी आहूजा जैसी तमाम हस्तियां मौजूद रही। इस दौरान लोगों ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, इस पर देखिए हमारी खास खबर। ये तो कला है और कला कहते हैं ना कि कला हमारे रचनात्मक ऊर्जा की प्रतीक है और कला को सोचना और समझना और ये हमारी प्रारंभिक जरूरतों में से एक है और कला से हटकर जो लोग जीने की कल्पना करते हैं वो लोग स्वाभाविक रूप से जड़ता के शिकार हो जाते हैं। तो इसको सोचने, समझने और देखने की ललक हमारी एक सहज प्रक्रिया है। कई बार होता है ना कि हम यहाँ इसमें देखते हैं कि ये चित्र टूटा फूटा है, कहीं सूरज ऊपर से नीचे गिर रहा है, मतलब अलग अलग चित्र बनाते हैं, लेकिन हर चित्र एक कहानी कहता है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं और इसको समझने के लिए हमें हमारा जो दिल है उसमें डालना पड़ता है। जब मन का संस्पर्श चित्रों को मिल जाता है तो हमारी सारी जटिलता का हल मिल जाता है। तो आज ये यहाँ पर विभिन्न लोगों की कला को यहाँ पर मनमोहन जी ने एक साथ एक जगह प्रकट किया, इसके लिए मनमोहन जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और ये हमेशा ये कार्य करते हैं। तो ये चाहते हैं कि हमारे जो भी चित्रकार हैं वो आगे आएं। आज देखिए कई जगह तो कई चित्रकारों की एक एक चित्रकला करोड़ों में बिकती है और तो कहीं किसी की कुछ बिकती ही नहीं है। हमको चाहिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पर जितने भी कलाकार हैं सभी की कला को एक सम्मान मिले। I've seen amazing art, how we've got people who are so creative and original, and you know there's several ways of looking at a painting. It's outstanding what talent we have in this country. Thank you Manmohan ji, you put everyone together. I have been organizing exhibition in Mumbai since last 8 years. And I'm trying to bring all sort of artists together. And जैसा कि मंजू भाभी ने कहा कि कुछ आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, कुछ थोड़े पीछे रह जाते हैं टैलेंट होने के बाद भी, नेशनल अवार्ड होने के बाद भी। तो हमारी कोशिश है कि हम एक बेहतर प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट को भी दें और जो आर्ट लवर्स हैं, जो रियल आर्ट के कत्रदान हैं, उनको भी दें। और जैसा कि हमारा जहांगीर आर्ट गैलरी काफ़ी एडवांस बुक होता है तो उसकी बात जाने देते हैं। महाराष्ट्र में करीबन 150 आर्ट कॉलेज हैं और जो भी वहाँ से ग्रेजुएट होते हैं एवरी ईयर अबाउट 600 to 700 BFA, MFA हर आर्ट कॉलेज से लोग निकलते हैं, तो उनका कोई फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो थोड़े स्मार्ट हैं या जिनका बहुत अच्छा काम है वो तो ठीक है, बट बहुत सारे आर्टिस्ट नेशनल अवार्ड पाके भी बहुत कुछ नहीं कर पाते। तो हमारी कोशिश है और फिर हम कुछ ऑनलाइन भी कुछ हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार बोला था तो मैं एवरी ईयर पहले 2 एग्जीबिशंस करता था, तो काफ़ी मेरे सपोर्टर लोग हैं, मंजू भाभी जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो हिम्मत होता है और हम चाहते हैं कि हम और भी अच्छे आयोजन करें और आर्टिस्ट को भी और बायर्स को भी हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें। या दिस इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर देम ओनली। एंड मतलब इसमें पहले तो मैं मास्टर्स भी रखता था, नाउ आई एम नॉट कीपिंग मास्टर, बट इसमें सारे इस बार तो काफ़ी एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं, सारे सीनियर्स ही हैं, बट कोई यंग है और मुझे लगता है कि हमको उन्हें रखना चाहिए तो हम ज़रूर उनको भी रखते हैं।
एक मनमोहन जी ऐसा करेंगे जो एकदम नए नए हैं आर्टिस्ट हैं, हम उन्हीं का एग्जीबिशन रखेंगे, उनके साथ बड़े कलाकारों का नहीं रखेंगे। तो क्या होता है कि बड़े कलाकारों की पेंटिंग तो बिक जाती है लेकिन वो छोटे वालों की पेंटिंग नहीं रह जाती। तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा दीजिए जहाँ सिर्फ सारे नए कलाकार जो बडिंग टैलेंट हैं, जो ठीक से समझ नहीं हाउ टू गोइंग टू मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी एंड हाउ टू डिस्प्ले एवरीथिंग, तो जैसा इन्होंने कहा अगर इनका आशीर्वाद रहा तो जरूर हम लोग करेंगे, हम लोग मिलकर करेंगे। वेरी गुड आइडिया। सबसे पहले मैं मनमोहन जायसवाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहता हूं, देता हूं। ये जो इन्होंने ये उपराला करते हैं या जो इंस्पिरेशन लेते हैं दुनिया से और दुनिया को देते हैं, खास करके आर्टिस्ट को जो जिनको लोगों ने पहचाना नहीं है या जो छुपे हुए हैं, उनको उभारने के लिए, उनको बाहर लाने के लिए, उनको दुनिया में उनको एक्सपोज करने के लिए जो ये जो मेहनत करते हैं, पहली बात सबसे पहले इसका अभिनंदन इनको। दूसरा, ये जो कलर्स ऑफ स्प्रिंग ये प्रोग्राम यहाँ इन्होंने रखा है सिमरोजा आर्ट गैलरी में ब्रिज कैंडी पे, ये इनका 10वां साल है जब इसे इन्होंने शुरू किया प्रोग्राम, और 10 साल ऐसे निकल गए जैसे कुछ महीने या कुछ साल हों, क्योंकि इनकी जो लगन है, इनका जो लगाव है, इनकी जो जो इनकी जो झुकाव है ये आर्ट के तरफ, आर्टिस्ट की तरफ इतनी ज़्यादा है, मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों में ये बातें होती हैं। तो ये दिल में एक भावना होनी, ये भी एक देश की सेवा है, क्योंकि देश हमारा इतना अमीर है, इतना उच्च कोटि पे पहुँच सकता है, पहुँचा हुआ है। तो ऐसे जो आर्टिस्ट यहाँ पे हमारे देश में हैं जिनको अभी उभारना है, जिनको आगे लाना है, जिनको लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, ये जो काम मनमोहन जी कर रहे हैं मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक मुबारकबाद चीज़ है, और इस बात के लिए इनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में भी आगे जो फ्यूचर है उसके अंदर ऐसे ही ये मेहनत करेंगे, और आर्टिस्ट को जो बड़े आर्टिस्ट हैं, छोटे आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए एक प्रेरणा बनेंगे, जिससे कि इनकी भी एक इनकी पब्लिसिटी होती है, इनको जो अंदर का जो इनका जो एक जो गॉड गिफ्ट है जो परमात्मा ने, वाहेगुरु ने, अल्लाह ताला ने इनको दी है, ये बाहर आएगा और लोग देखेंगे और इनको पहचानेंगे लोग। बाकी कमर्शियल एस्पेक्ट है वो तो है ही है, हर इंसान कमर्शियल अपना काम करता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन इनको इनकी पहचान बनना दुनिया में ये उससे भी ज़रूरी बात है। तो मैं फिर से मनमोहन जी को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट जो मैं मुंबई का अध्यक्ष हूँ, कपड़ा व्यापारी एकता एसोसिएशन जो मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ पे, और मेरी पर्सनल जो एक 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 शुभकामनाएं हैं मैं इनको देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मनमोहन जी, और भगवान करे, अल्लाह करे, वाहिगुरु करे, आप ऐसे ही आप इस चीज़ को उभारते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं नाम लेने भूल गया मिथिला का, कमाल हो गया। मैं थोड़ा सा ऐड करो यार उसको, और एक रोल कर लो। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा आपको जो बताना चाहता हूँ कि मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हूँ, टेक्सटाइल हम लोग कपड़ा बनाते हैं, उसके साथ हम देश की सेवा करते हैं, और उसके साथ जैसे मनमोहन जी कर रहे हैं कि लोगों को उभारना, ये चीज़ों को पब्लिसाइज करना, एक्सपोज करना जिनके अंदर टैलेंट है, उसके साथ हमने, मैंने और मिथिला पुरोहित जी ने मिलकर, ये फिल्म एक्ट्रेस हैं, टीवी एक्ट्रेस भी हैं, तो हमने दोनों ने मिलकर एक ब्यूटी सैलून खोला है, ब्यूटी लाउंज खोला है, इसका नाम BFF ब्यूटी लाउंज है, और हमारे ब्यूटी लाउंज की तरफ से भी मनमोहन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप बोलिए। मैं मनमोहन जी को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, तो उन्होंने आज 10 साल कम्प्लीट किए हैं एग्जीबिशंस के साथ, और जैसे मैंने पेंटिंग्स देखी बहुत ब्यूटीफुल है, और थैंक्स भी कहना चाहूँगी कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया तो मुझे ये सब देखने का मौका मिला। मैंने कभी अपनी लाइफ में पेंटिंग्स की एग्जीबिशंस में नहीं अटेंड किया, बट आज यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लगा, एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू।